Hi everyone, how are you all? Firstly, welcome or welcome back to our channel Career Banao. I am Amisha, Academic Mentor at Career Banao. In today's video, we are going to discuss about top 5 BTech private engineering colleges in India. आज के इस पूरे वीडियो में हम 5 ऐसे कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें आप इंजीनियरिंग और बीटेक परस्यू कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर हो सकता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले नंबर पे जो कॉलेज आता है उसका नाम है अपना बिट्स फिलानी। ओके, सो बिट्स फिलानी लोकेटेड है राजस्थान में और इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो है 1929 की। तो बिट्स फिलानी की जो स्थापना है वो 1929 में हुई थी। कैंपस एरिया की बात करें तो ये 325 प्लस एकर्स में फैला हुआ है। NIRF रैंकिंग की बात करें तो ये 25th पोजीशन पे है। फीस की बात करें तो 19 लाख तक फीस देना पड़ सकता है आपको। एडमिशन की बात करें तो मोड ऑफ एडमिशन के लिए आप यहाँ पे जो बिट्स फिलानी का मेन वेबसाइट है BISET वो विजिट कर सकते हो। बात करें पैकेज की तो यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 60.75 लाख पर एनम का है और एवरेज पैकेज की बात करें तो 30 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज रहा है यहाँ पे। बात करें ओवरऑल कॉलेज की तो कॉलेज इज़ वेरी गुड। अटेंडेंस का इतना कुछ प्रेशर नहीं रहेगा आप पे, लाइक जैसे नॉर्मल कॉलेज में होता है अटेंडेंस को लेकर प्रेशर होता है, वो यहाँ पे नहीं रहने वाला है। यहाँ का जो कल्चर आपको देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा स्टार्टअप कल्चर है, लाइक अगर आपका माइंड वैसा है स्टार्टअप करने को लेके तो ये कैंपस आपके लिए काफ़ी सही हो सकता है। एवरीथिंग इज़ गुड बट आई कैन से कि फीस थोड़ा हाई है यहाँ का। सो या दैट्स ऑल अबाउट बिट्स फिलानी। तो सेकेंड नंबर पे जो कॉलेज आता है वो है अपना VIT वेल्लोर जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। और बात करें एस्टैब्लिशमेंट की तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कैंपस एरिया की बात करें 372 प्लस एकर्स में इसका जो कैंपस एरिया है वो फैला हुआ है। बात करें NIRF रैंकिंग की तो ये अभी 11th पोजीशन पे है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको 15 से 26 लाख तक फीस देना पड़ सकता है इंक्लूडिंग हॉस्टल फी। बट यस, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कोर्स कि आप कौन सा कोर्स परस्यू करते हो, वो उस पर डिपेंड करेगा। बात करें पैकेज की तो यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 1.2 करोड़ पर एनम का एंड एवरेज पैकेज की बात करें तो वो 8 से 9 लाख तक गया है VIT वेल्लोर से। ओवरऑल कॉलेज काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है। अटेंडेंस की बट अटेंडेंस की बात करें तो यहाँ पे 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 75% अटेंडेंस नहीं रहेगा आपका, तो वो चीज़ है वो कंपलसरी है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो मोड ऑफ एडमिशन के लिए यहाँ पे VIT EEE जो इनका वेबसाइट है वहाँ उसके थ्रू जाकर एडमिशन ले सकते हो। देखो कॉलेज इज़ ओवरऑल वेरी गुड बट यस फीस इज़ हाई आई कैन से। कैंपस एरिया काफ़ी अच्छा है बट फीस इज हाई। सो या दिस इज ऑल अबाउट VIT वेल्लोर। तो अपना जो लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो कॉलेज आता है, यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी आता है वो है SRM यूनिवर्सिटी। तो ये जो SRM यूनिवर्सिटी है वो लोकेटेड है चेन्नई में और इसका जो कैंपस एरिया है वो 250 प्लस एकर्स में फैला हुआ है। बात करें एस्टैब्लिशमेंट की तो ये इस कॉलेज की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। बात करें NIRF रैंकिंग की तो NIRF रैंकिंग में ये 24वें नंबर पर आता है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको 15 से 26 लाख तक का फ़ी देना पड़ सकता है। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कोर्स, आप कौन सा कोर्स परस्यू करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। बात करें यहाँ पे मोड ऑफ़ एडमिशन की तो मोड ऑफ़ एडमिशन के लिए यहाँ पे SRM JEE कह सकते हैं, उसके थ्रू यहाँ पे आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। बात करें हाईएस्ट पैकेज की प्लेसमेंट की बात करें तो 1 करोड़ प्लस पर एनम का है यहाँ पे और एवरेज पैकेज की बात करें तो वो है 6.5 लाख का। और बात करें लोएस्ट पैकेज की तो वो है यहाँ पे 4 लाख पर एनम का। देखो ये कॉलेज आई थिंक कि कॉलेज बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर आई कैन से वेरी गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा आपको। एवरीथिंग इज़ गुड। SRM वन ऑफ द टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है तो ये भी चीज़ है। बट आई कैन फील कि फीस थोड़ा सा आपको हाई देखने को मिलेगा। सो फीस के मामले में एंड ROI जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी थोड़ा सा कम है इस एज़ कम्पेयर टू अनदर कॉलेजेस। सो या दैट इज़ ऑल अबाउट SRM यूनिवर्सिटी। तो फोर्थ नंबर पे जो यूनिवर्सिटी आता है वो है अपना मणिपाल यूनिवर्सिटी। तो मणिपाल यूनिवर्सिटी लोकेटेड है बेंगलुरु में और इसका जो कैंपस एरिया है वो है 313 प्लस एकर्स में फैला हुआ है। बात करें इसके एस्टैब्लिशमेंट की तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो हुई है वो 1957 में हुई है। बात करें NIRF रैंकिंग की तो इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो है 61 पोजीशन पे है ये अभी।
अब मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आप MET के थ्रू एडमिशन आप यहाँ पर ले सकते हो। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपको 14 से 25 26 लाख तक देना पड़ सकता है, वो आपके कोर्स पर डिपेंड करेगा। बात करें हाइएस्ट पैकेज की तो यहाँ का जो हाइएस्ट पैकेज है वो 54.75 लाख पर एनम का है, और बात करें एवरेज पैकेज की तो वो है 12.59 लाख पर एनम का। दैट इज़ ऑल्सो गुड अगर आप प्लेसमेंट के नज़रिए से देखते हो किसी कॉलेज को, तो प्लेसमेंट का जो है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप ओवरऑल कॉलेज को देखोगे तो यहाँ का एलुमनी नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो तो रिसर्च वगैरह के अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे और तो और यहाँ पे आपको फॉरेन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलता है यहाँ पे, तो वो चीज़ भी एक बेस्ट है यहाँ का। अगेन मैं बोलूँगी कि यहाँ का भी फ़ी थोड़ा आपको हाई देखने को मिल सकता है, और यहाँ का जो कैंपस है वो थोड़ा सा आपको क्राउडेड लग सकता है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट मणिपाल यूनिवर्सिटी। तो लिस्ट में फिफ्थ नंबर पे जो यूनिवर्सिटी आता है वो है अपना थापर यूनिवर्सिटी। थापर यूनिवर्सिटी जिसका कैंपस एरिया 250 प्लस एकर्स में फैला हुआ है। बात करें एस्टैब्लिशमेंट की तो थापर यूनिवर्सिटी की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई है, और NIRF रैंकिंग में की बात करें तो ये 20th पोजीशन पे आता है। बात करें यहाँ का मोड ऑफ एडमिशन का, क्या आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, तो आप JEE में अपीयर होने चाहिए, और JEE में जो आपका मार्क्स होता है वो मिनिमम आपका 70% होना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हो। साथ ही इसके साथ आपको 12th में आप बात करें हाईएस्ट पैकेज की तो यहाँ का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 43 लाख पर एनम का है। एवरेज पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज 10 लाख पर एनम का है, और बात करें लोएस्ट पैकेज की तो यहाँ का जो लोएस्ट पैकेज है वो है 8 लाख पर एनम का। गाइज, ओवरऑल यहाँ का कॉलेज बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, आपको प्लेसमेंट डिसेंट मिल जाएगा यहाँ से, सब कुछ अच्छा है। फीस का मैं बोलूँगी कि फ़ीस थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा जो कैंपस में थोड़ा सा मतलब जो उसका माहौल है वो उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल कॉलेज इज़ गुड, एंड इफ़ यू आर कंसिडरिंग देन यू कैन आप जा सकते हो इस कॉलेज के साथ। सो या गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो टॉप 5 BTech private engineering colleges in India. So I hope you guys like the video, and if you want a detailed review video or any counseling guidance or any admission guidance, then please comment below, or you can fill the form given in the description box also. एंड अगर आपको किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज भी कर सकते हो, सो दैट हम जान पाएँ कि आपको और किसी भी चीज़ का क्वेरी है। अगेन मैं बोलूँगी कि आप ऐसे ही वीडियोज़ को प्यार देते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियोस को लाइक करते रहिए, ताकि हम आगे भी वीडियो आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।